नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। हिंदू धर्म में शिवलिंग को शिवजी का प्रतीक माना जाता है, जो कि सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है। शिवलिंग इस ब्रह्मांड की और उससे भी परे सभी शक्तियों को दर्शाती है। वैसे तो कोई भी पर्टिकुलर चीज या कोई भी सिंबल भगवान शिव को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मगर हिंदुओं को अपनी भक्ति, अपनी फेथ के लिए कोई मूर्ति या सिंबल चाहिए था, तो उसके बाद शिवलिंग का सबसे पहले निर्माण हुआ। पिछले कुछ सालों से ना जाने क्यों वैज्ञानिकों की, शोधकर्ताओं की शिवलिंग में रुचि बढ़ने लगी है। आज शिवलिंग की भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सामने आई है। अगर हम शिवलिंग को ध्यान से देखें तो एक शिवलिंग के तीन भाग होते हैं। शिवलिंग का सबसे निचला हिस्सा अंडरग्राउंड रहता है, ये फोर साइडेड होता है। शिवलिंग का बीच का हिस्सा जिसके 8 साइड होती है वो जमीन के लेवल पर रहता है, और सबसे ऊपर का हिस्सा जो कि सिलेंड्रिकल होता है उसे हम पूछते हैं। तीनों पार्ट्स की अपनी अपनी एक्सप्लेनेशंस हैं। सबसे नीचे वाले भाग जो कि अंडरग्राउंड में रहता है उसे ब्रह्मा जी माना जाता है। बीच वाले भाग को भगवान विष्णु माना जाता है, और सबसे ऊपर वाले भाग को भगवान शिव माना जाता है। शिवलिंग भगवान शिव के विनाश और सृजन दोनों शक्तियों को बड़े ही सहज रूप से दर्शाती है। शिवलिंग सभी लोगों के लिए एक पवित्रता की निशानी है, मगर कुछ बेवकूफ लोग शिवलिंग की गलत एक्सप्लेनेशंस लेते हैं। कुछ विदेशी शोधकर्ताओं ने शिवलिंग में लिंग का हिंदी अर्थ निकाल लिया और पूजा करने को गलत ठहराया, मगर यहाँ लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रतीक, सिंबल, जिसके अनुसार शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। हिंदू धर्म ने कभी विज्ञान का विरोध नहीं किया, ना ही किसी और धर्म का विरोध किया है। इस धर्म ने हमेशा विज्ञान की नई खोज को अपनाया है, मगर हिंदू धर्म में ही कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अगर साइंटिस्ट नील बोर की बात करें तो साइंटिस्ट नील बोर ने बताया है कि कोई भी एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो अपना फंक्शन करते हैं, और किसी भी चीज के बनने या बिगड़ने में इन्हीं तीन सब एटमिक पार्टिकल्स का लेना देना होता है। यही थ्योरी शिवलिंग भी एक्सप्लेन करती है। पहले के समय में संस्कृत ही एकमात्र भाषा थी, तो संस्कृत शब्द ही प्रयोग में लिए जाते थे, जैसे लिंगम, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति। महर्षि वेदव्यास ने भी ये लिखा है कि शिवजी से छोटा आकार किसी का भी नहीं है, उसी समय शिवजी से बड़ा आकार भी किसी का नहीं है। शिवलिंग केवल एक सिंबल नहीं है, हमारे ऋषि मुनि शिवलिंग के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझाना चाहते थे। अगर ध्यान से देखें तो शिवलिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर को दर्शाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एक जगह रहते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन उसके बाहर तेजी से घूमता है। बोहर के नजरिए से शिवलिंग को ध्यान से देखा गया तो एक सच साबित हो गया कि ब्रह्मा जी ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया। आइए जानते हैं कैसे। शिवलिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह वेरीफाई करती है। भगवान विष्णु को माना गया है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है, क्योंकि भगवान विष्णु पृथ्वी पर पॉजिटिविटी लाते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। भगवान शिव को न्यूट्रॉन के समान माना गया है, जिसका बिहेवियर या जिसका चार्ज शून्य होता है, यानी न्यूट्रल होता है। और ब्रह्मा जी को इलेक्ट्रॉन माना गया है, जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। शक्ति को एनर्जी माना जाता है, और दुनिया के निरंतर चलते रहने में इनकी एक मुख्य भूमिका है। जब हम भगवान विष्णु को दर्शाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल निकलता है, जिसमें ब्रह्मा जी बैठे नजर आते हैं। मगर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस विवरण में ये देखने को मिलता है कि किसी न किसी तरह वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है या कनेक्टेड है। अगर बोर की थ्योरी के हिसाब से देखें तो ब्रह्मा जी यानी इलेक्ट्रॉन और विष्णु जी यानी प्रोटॉन के बीच एक कनेक्शन है। एक कनेक्शन है एनर्जी का, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी या इलेक्ट्रॉन विष्णु भगवान या प्रोटॉन के बाहर चक्कर लगाते हैं, और भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी तक जोड़ने वाली यह हरी डंडी या हरी कली शायद इन दोनों के कभी ना अलग होने वाले बॉन्ड को दर्शाती है। और भगवान शिव की बात करें तो न्यूट्रॉन भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, और ये प्रोटॉन की तरह ही एटम के न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, बस न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज वाला होता है। जब तक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही संख्या में रहते हैं तब तक एटम स्टेबल रहता है। सेम हम जानते हैं कि जब तक शिव जी को उनकी तपस्या से छेड़ा ना जाए वो भी लीन रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। भगवान शिव इसलिए स्टेबल रहते हैं क्योंकि शक्ति यानी एनर्जी रेणुका में कन्वर्ट हो जाती है। रेणुका का यहाँ अर्थ है वैलेंसी से, रेणुका से ही रेणु बनते हैं। रेणु का अर्थ है मॉलिक्यूल, यानी वैलेंसी के हिसाब से मॉलिक्यूल बनते हैं। एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसीलिए एंशिएंट हिंदू ऋषि मुनि शक्ति का कॉन्सेप्ट लाए थे, जो भगवान शिव की पत्नी है। जैसे भगवान शिव और शक्ति में एक रिलेशन है, उसी तरह न्यूट्रॉन और एनर्जी में भी एक रिलेशन है।
जो कि हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं जब भी न्यूट्रॉन्स को डिस्टर्ब किया जाता है या सेपरेट किया जाता है तो भयंकर डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। शक्ति यहाँ रुद्राणी या काली का रूप ले लेती है, फिर तांडव होता है और प्रकृति का विनाश होना तय हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने शिवलिंग के द्वारा बड़े ही बेहतर तरीके से एटमिक स्ट्रक्चर को दर्शाया था, मगर समय के साथ साथ असली मायने बदलते गए। हम सभी ट्रेडिशंस और लिटरेचर को पीछे छोड़ आए हैं, जिसको आज पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। अभी भी हम हमारे ग्रंथों से ऐसी बहुत सी जानकारियाँ ले सकते हैं और ऋषि मुनियों के ज्ञान को पुनर्जीवित कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग शिवलिंग को न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर भी देखते हैं। जैसे एक नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में हर समय पानी डालना पड़ता है, उसी तरह पिछले हजारों सालों से हम भी शिवलिंग पर हर समय जल डालते हैं। और अगर हम हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की तरफ देखें तो हर जगह रेडिएशन पाई गई है। और वैसे भी ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति यानी लाइट और लिंग यानी प्रतीक, यानी पूरा अर्थ शक्ति का प्रतीक। आज भी अगर वाराणसी के ग्राउंड वाटर को चेक करें तो रेडियो एक्टिविटी वहाँ भी नजर आती है। क्या इसका अर्थ ये है कि प्राचीन काल में यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ हुआ था? भारत में भी 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे, तो क्या केवल ये पूजा करने के लिए ही थे या फिर ये सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए थे? इसका जवाब केवल एक ही जगह पर मिल सकता है, हमारे प्राचीन ग्रंथ और पुराणों में। मगर अब शायद देरी हो गई, उन्हें पूरी तरह समझने वाले विद्वान अब नहीं रहे हैं। दोस्तों, आपके इन सब चीज़ों के बारे में क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।